बहुत तगड़ी है यार, मुझे इसका हॉरर लग रहा है। ये फिल्म जो है ना, ये किरदार जो है, ये एक बहुत खूबसूरत आदमी है, क्योंकि ही इज़ वाउंडेड। मतलब जब आप मिलते हो उस बंदे को तो टूट चुका है ये इंसान, और इसकी जर्नी है ये पूरी फिल्म। मतलब वो स्टार रह चुका है एक ज़माने में, बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा कलाकार था वो, उसका बच्चा मर जाता है, फिर वो दारू और इन सारी नशों में अपना मतलब करियर भी खो देता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म जब आप इस किरदार को, अमन को मिलते हो, तो सारी चीज़ों से वो ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जर्नी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ग्राफ है। तो एज एन एक्टर भी बहुत मज़ा आता है जब इस तरह के किरदार मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म। फिर एक लड़का है जो अपनी बीवी के सर्च में निकलता है और बीवी को ढूंढता है, तो एक अलग तरह का फियर है ये। इट्स अ न्यू फियर ऑल्सो फॉर विक्रम भट्ट, जो मैं हमेशा मजाक करता हूँ, वो हॉरर के किंग हैं, उनके लिए भी एक अलग मिजाज की फिल्म है। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और जुदा हो के भी एक ऐसी कहानी है जो मेरे कह सकते हैं गुरु ने मुझे दी है, और ये फिल्म जो है वो मैंने अपने गुरु के लिए बनाई है, अपने गुरु को अर्पण की है। और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देखो विक्रम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूं, तो यार मैं हॉरर में लव स्टोरी नहीं लिख सकता। मैंने कहा हॉरर मुझे नहीं आता, अगर तुम लव स्टोरी में हॉरर बनाओगे जैसे राज थी तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा वैसे बॉस, मैं तो हॉरर में मेरी लव स्टोरी ही होती है, लेकिन हाँ इस बार आप सही कह रहे हैं, लव स्टोरी में हॉरर बनाते हैं, तो इसलिए टाइटल भी जुदा होके भी है। टाइटल कोई भूतिया नहीं है जैसे कि शमशान या ग्रहण या ऐसा कुछ नहीं है, ये जुदा होके भी है, लव स्टोरी है, और बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जिसका विलन जो है वो हॉरर। भट्ट साहब का रिएक्शन जनरली ऐसा होता है कि बड़ा ऑनेस्ट होता है, या उनको पसंद आता है या उन बोलते हैं कि बकवास है। तो पहला जो टीज़र आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया उनको, ये क्या है, ये तो पिक्चर भी नहीं है। फिर हमने उनको बैठ के समझाया कि बॉस देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है हॉरर फिल्म में जो हम रिवील नहीं कर सकते। हाँ मत करो रिवील, लेकिन प्रोडक्ट तो अच्छा बनाओ। फिर मैं गया अपने दोस्त के पास बंटी, जो बेस्ट प्रोमो बनाता है, फिर हमने बैठ के एक प्रोमो बनाया जो उनको अच्छा लगा। So, Kesara Sara, actually, it has known for making films जो हमेशा से कोई जर्नर स्पेसिफिक नहीं रही है। So, we have made horror films, we made comedy, we made political, but we were more focusing on the theatre side of it, कि हम theatres launch कर रहे थे across India, and then we met sir, and we actually met sir for a project, and when we met sir, we got this entire idea of the film making, the entire process of how the upcoming films he is having currently. So sir is a legend in the industry, everybody knows about that already. So matlab agar aap ye bolo to industry mein agar horror aur romance koi leke aaya, so that is sir. Inke ilawa there's nobody who's even touched that point. So since we had made horror films in the past, and we wanted to do something similar, because aajkal agar aap films dekhoge, so there are a lot of horror comedies, there are a lot of such comedy elements jo horror mein wo log dal rahe hain, but there was nothing like what they have made in the past. So when we collaborated for the project, we were very excited to work with Juda Ho Ke Bhi and all the upcoming films. Dekhiye sir, जैसे करिश्मा जी ने बोला है, सर डेफिनेटली सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सर लेजेंड है, और जैसे सब लोग बोलते हैं और कि अरे विक्रम सर हैं तो हॉरर होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो सर नहीं कर सकते। आवारा पागल दीवाना सर ने किया था, जो अभी तक की बेस्ट कॉमेडी पिक्चर है, आज भी हम देखते तो हमें सब लोग हंसते हैं। तो ऐसा कोई जॉनर नहीं है जहाँ पर सर अगर इन्वॉल्व है और वो चीज़ें उसका रिजल्ट वो जिस जो जोनर है वहाँ से वो निकाल देते हैं। इस मूवी का भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह से सर ने किया है, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी मेरे को शर्म आती है अपने ऊपर, सर जितना काम करते हैं उसका 5% भी मैं नहीं करता हूँ, और 24 घंटे जब भी देखो बिजी रहते हैं काम में, करते रहते। तो यूथ के लिए, हम सब के लिए भी, कि जो भी फिल्म मेकर है और फिल्म लाइन में, तो बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन, जुनून, पागलपन चाहिए। मैंने सर में देखा है कि वो दिन रात
बिल्कुल ऐसा एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल ऐसा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर देते हैं वैसे हर प्रोजेक्ट में वो लगे रहते हैं अपना एग्ज़ाम देने में। तो मुझे याद है विक्रम सर ने मुझे कॉल किया था एंड वो मुझे माजदा बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा माजदा ऑफिस आ जा। मैंने कहा सर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा यार एक रोल है तू आ जा। तो आई वेंट टू ऑफिस। सर मेरे दिमाग में ये था कि शायद वो एक कोई वेब शो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं और मुझे शायद सोच रहे होंगे हीरो के तौर पे कास्ट करना। तो मैं चला गया तो मैंने देखा पहले तो महेश सर बैठे थे वहाँ और महेश सर तो मतलब सबको पता ही है इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो मेरी थोड़ी फट गई तो उन्होंने कहा मास्टर आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। मैंने कहा सर आई होप यू हर्ड गुड। तो उन्होंने कहा सिट। 5 मिनट तक वो मेरा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा तू बड़ा पॉजिटिव बंदा है यार। मैंने कहा थैंक यू सर। तेरे में यार कुछ है। मैंने कहा थैंक यू सर। तू विलेन बनेगा। बोला क्या? बोले तू विलेन बनेगा। बोला सर कुछ कैमरा वैमरा डाल के कुछ ये हो रहा है क्या? तो मैंने कहा नो यू आर विलेन। बोला ओके। उस टाइम पे तो मैं खुशी खुशी हाँ बोल के निकल गया। लेटर में रियलाइज यार मैं विलेन मतलब देखा विलेन दिख तो नहीं रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई विलेन का रोल मिला है मुझे। तो उसने कहा करना। मैंने कहा यार पर मैं विलेन मतलब मैंने सोचा भी नहीं है। उसने कहा यार हो जाएगा हो जाएगा। फिर वर्कशॉप्स हुए एंड इवेंचुअली इट केम आउट वेरी वेल। आई माई सेल्फ सॉ द फिल्म अ कपल ऑफ डेज अगो एंड काफ़ी डरावना लग सकता हूँ मैं थैंक्स टू विक्रम सर एंड महेश। विक्रम सर का महेश सर का एक ही आदेश था कि हिट गाना बनाना है। सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का होता है एंड हम लोगों का भी टारगेट यही होता है कि भाई हम हिट गाना बनाएं और इतना आसान गाना बनाएं कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाए, धुन भी इतनी आसान बनाए। तो हम लोगों ने वही कोशिश की। विक्रम सर ने मुझे ब्रीफिंग दी है, गानों के सिचुएशंस दी है, बहुत सारे आइडियाज़ दिए। हम लोगों ने कुछ क्रैक किया, हम लोगों ने कोशिश की नया म्यूज़िक करने की एंड लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं शब्दों से धुनों से और देखते हैं 15 तारीख के बाद और कितना पसंद आता है।